आपको फाइल अगर बनानी है तो बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम चार्जेस में मैं आपकी फाइल बना सकता हूँ। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी ट्रैवल हिस्ट्री पे। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आप इजीली बना सकते हैं, इनके स्टिकर वीज़ा होते हैं और बहुत इजीली ये स्टिकर वीज़ा मिल भी जाते हैं और आप ख़ुद से ये वीज़ा अप्लाई करके अपनी एक अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री खुद बना सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई में हो या यूएई के रेजिडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। बहुत सारे दोस्तों का जो प्लान यही होता है यूरोप में शेंगन में जाने का, तो कोशिश करें आप ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करें, कोशिश करें आप कुछ टाइम यूएई में गुजारें। पहले भी मैंने ट्रैवल हिस्ट्री पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। वंस अगेन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और ये कंट्रीज़ के स्टिकर वीज़ा लगवाएं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और आप जो है ख़ुद ट्रैवल करें और आप ख़ुद अपनी फ़ाइल भी बना सकते हैं। इससे पहले मेक श्योर दोस्तों कि आपने यूएई में एटलीस्ट 3 से 4 महीने गुजार लिए हों और एटलीस्ट आपके पास 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट, कुछ कंट्रीज़ विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी वीज़ा दे देती हैं, डिपेंड करता है आपका वीज़ा प्रोफेशन या फिर नेशनैलिटी, ठीक है जी। तो मेक श्योर आपके पास ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स तो लाजमी होने चाहिए कोई भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले NOC लेटर आपकी कंपनी से लाजमी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है लेकिन मेरे पास NOC लेटर नहीं है, या फिर कुछ दोस्त ये भी मैसेज करते हैं कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं दोस्तों कि अगर आपके पास NOC लेटर नहीं है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको जो है वीज़ा मिलने में दुश्वारी हो सकती है, आपको वीज़ा मिलने में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। अगर आप एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हो तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है वो लगा सकते हैं। अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनर में भी अगर तो आपके पास कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने ये चीज़ें पूछी थी कि हमारे पास पार्टनर वीज़ा है या इन्वेस्टर वीज़ा है, तो आप अपनी पर्सनल जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप लगा सकते हैं। आपका यूएई का रेजिडेंस वीज़ा, आपका पासपोर्ट, ये पासपोर्ट और यूएई का रेजिडेंस वीज़ा एटलीस्ट जो है कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 3 महीने से ज़्यादा वैलिडिटी हो, कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि 6 महीने पासपोर्ट और यूएई रेजिडेंस वीज़ा वैलिड होने चाहिए, ठीक है जी। तो इसके बाद होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फॉर्म वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है या कुछ कंट्रीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ तरीकाकार होता है अगर आपने स्टिकर वीज़ा अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए जी आप इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करें, इजिप्ट का स्टिकर वीज़ा होता है और इजीली मिल जाता है। इसके बाद जो है जॉर्डन का वीज़ा इजीली मिल जाता है, इसके बाद मोरक्को वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा होता है, ये भी मिल जाता है, ठीक है जी। इसके बाद मलेशिया, थाईलैंड है, इनके वीज़े आसानी से मिल जाते हैं और ये स्टिकर वीज़े होते हैं। तुर्की का वीज़ा है दोस्तों, ये मिल सकता है, इस पर आप जो है एक अच्छा स्टिकर वीज़ा और एक अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अच्छा होता है। इसके बाद जो है कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इनके स्टिकर वीज़ा होते हैं, ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ के दोस्तों स्टिकर वीज़े हैं, अगर आप इनमें से कुछ कंट्रीज़ का ट्रैवल करें तो आपको ये इजीली मिल जाते हैं। इसके बाद मोंटीनेग्रो है, सर्बिया है, इनके थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बट ये भी मिल जाते हैं। अल्बानिया का भी डिपेंड करता है, ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा ये भी आपको मिल सकता है, बट अगर आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल अच्छी है या ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है। तो ये वीज़ा के कैटेगरीज हैं, अगर आप ये वीज़ा ख़ुद से अप्लाई करना चाहें तो इस पर ऑलरेडी मैंने इन सब कंट्रीज़ पे वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरी वीडियोस देख के आप ख़ुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देख के ख़ुद भी वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं और ख़ुद से वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं और उनको वीज़ा मिल भी जाता है। आपको फ़ाइल अगर बनानी है तो बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम चार्जेस में मैं आपकी फ़ाइल बना सकता हूँ, कहीं भी है यूएई में, कोई इशू नहीं है। आपको आने की भी जरूरत नहीं है, फ़ाइल आपकी बना के आपको ईमेल कर दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये है स्टिकर वीज़ाज के लिए कुछ कंट्रीज़ हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, अगर आपका प्लान यही है कि आपने शेंगन जाना है, यूरोप जाना है या अमेरिका जाना है, तो दोस्तों आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करना है। 3 से 4 कंट्रीज़ का कम अज़ कम आप ट्रैवल लाजमी करें, उसके बाद जो है आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करें, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और दूसरा ये है कि कम अज़ कम 1 से 1.5 साल आपने यूएई में भी लाजमी गुजारना है। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। और ठीक हो गया दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।